गाइस, सो आज इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स बताऊंगी और कुछ प्रोडक्ट्स बताऊंगी जो मैं यूज करती हूँ अपने डार्क स्पॉट्स को रिमूव करने के लिए। काफी सारे मैसेजेस आते हैं इंस्टाग्राम पे कि कौन से इंग्रेडिएंट्स हमें यूज करने चाहिए डार्क स्पॉट्स को दूर करने के लिए, प्लस इनकी डलनेस को दूर करने के लिए। अब मैं एक दो सेरम तो यूज करती हूँ, मैं काफी सारे सेरम्स यूज करती हूँ और अब तक कर चुकी हूँ, सो मैं उन सबके बारे में आप लोगों को बताने वाली हूँ आज। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस वीडियो देन कीप ऑन वॉचिंग एंड यस, अगर चैनल पे नहीं है देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल, हिट द बेल आइकॉन सो दैट यू विल बी नोटिफाइड व्हेनेवर आई पुट अ वीडियो। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज, अगर आप मेरे वीडियो पहले से देख रहे हैं ना तो आपको पता होगा कि मुझे कौन सा इंग्रेडिएंट बहुत ज्यादा पसंद है एक्सफोलिएंट में, वो है लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड मुझे बहुत पसंद है क्योंकि इससे एक्चुअली मेरी स्किन काफी ग्लोइंग हुई है। पहले जब मुझे लैक्टिक एसिड के बारे में पता नहीं था तब मैं लगाती थी दही अपने फेस पर, कर्ड, और कर्ड लगाते लगाते मतलब मैंने बहुत टाइम तक कर्ड लगाया है, इवन मेरे हेयर पे भी लगाया है, और मुझे ना बेहद अच्छे रिजल्ट्स मिले। तब मैंने थोड़ी रिसर्च की कि दही में ऐसा कौन सा एसिड है, तो दही में होता है लैक्टिक एसिड जो कि हमारी स्किन को एक्सफोलिएट करता है प्लस ग्लोइंग बनाता है। तब मुझे पता लगा कि लैक्टिक एसिड है जो मेरी स्किन के लिए काफी मुझे यू नो सूट हुआ मुझे, और तब मुझे पता नहीं था एसिड्स के बारे में, सेरम्स के बारे में, मैं कुछ भी यूज नहीं करती थी तभी, ओनली दही लगाती थी, इवन सनस्क्रीन भी नहीं लगाती थी। सो मुझे तब पता लगा था लैक्टिक एसिड के बारे में। और गाइस, लैक्टिक एसिड एक एक्सफोलिएंट है जो कि आपकी डेड स्किन यानी ऊपर की जो स्किन है उसे उतार देती है, प्लस आपकी जो अंदर की ग्लोइंग स्किन होती है वो सरफेस पर आ जाती है। सो लैक्टिक एसिड जो भी हमारी ऊपर की लेयर पे डार्क स्पॉट्स होते हैं, पिगमेंटेशन होती है, उसको हटा देता है धीरे धीरे। और लैक्टिक एसिड काफी माइल्ड होता है, सेंसिटिव स्किन वाले भी यूज कर सकते हैं क्योंकि ग्लाइकोलिक एसिड काफी इरिटेट कर सकता है आपकी स्किन को। सो अगर आप बिगिनर हैं या फिर आपकी बहुत ज्यादा सेंसिटिव स्किन है, ट्राई लैक्टिक एसिड ओनली 5% से स्टार्ट करना, बिकॉज आप एकदम से 10-20% पे चले जाएंगे तो आपकी स्किन बहुत ज्यादा इरिटेट हो सकती है। तो 5% लैक्टिक एसिड आपको जरूर ऐड करना चाहिए अपने स्किन केयर रूटीन में अगर आपको डेड स्किन है बहुत ज्यादा, या फिर आपको डार्क स्पॉट्स हैं, पिगमेंटेशन है। लैक्टिक एसिड कंटिन्यूअसली यूज करो 3-4 मंथ्स के लिए, फिर आप देखो कि आपको क्या रिजल्ट्स मिले क्या नहीं मिले, मगर डेफिनेटली आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। और लैक्टिक एसिड को कैसे यूज करना है, मैंने इस टॉपिक पर डिटेल्ड एक वीडियो बना रखा है, सो मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी, चेकआउट जरूर करना। सो गाइस, सेकंड इंग्रेडिएंट है और इसके बारे में भी आप लोगों को पता होगा अगर आप मुझे बहुत टाइम से फॉलो कर रहे हैं और मुझे जानते हैं, तो ये प्रोडक्ट, मतलब इस प्रोडक्ट के लिए मैं ये बोलूंगी कि इसको यूज करने के बाद ना मुझे एक्चुअल फील हुआ कि मेरी स्किन कितनी ग्लोइंग हो गई है। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं स्किन को लेकर, एंड जब से मैं ये इंग्रेडिएंट यूज कर रही हूं तब से मेरी स्किन पर बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट आया। तो वो इंग्रेडिएंट है विटामिन सी। विटामिन सी मैं जब से यूज कर रही हूँ मेरी स्किन बहुत ज्यादा ग्लोइंग हुई है, मेरे डार्क स्पॉट्स काफी कम हुए हैं। मुझे एक टाइम पर बहुत ज्यादा डार्क सर्कल्स थे, वो ओवर टाइम काफी कम हो गए हैं। विटामिन सी बहुत ही अमेजिंग एंटीऑक्सीडेंट है जो फ्री रेडिकल्स होते हैं उनको न्यूट्रलाइज कर देता है, आपकी स्किन के सेल्स को प्रोटेक्ट करता है, प्लस आपके डार्क स्पॉट्स, पिगमेंटेशन, इन चीजों पर बहुत अमेजिंगली काम करता है। आप ये मत सोचना कि विटामिन सी बहुत जल्दी आपको रिजल्ट्स मिल जाएंगे, स्किन केयर टाइम लेता है, आपको स्किन केयर के रिजल्ट्स जरूर मिलेंगे मगर स्किन केयर को आपको अच्छा खासा टाइम देना पड़ेगा। एक अगर आपका बहुत अच्छा स्किन केयर रूटीन है आपको रिजल्ट्स पक्का मिलेंगे, बस टाइम लग सकता है। तो पेशेंटली अपना रूटीन, स्किन केयर रूटीन करें, आपको जरूर रिजल्ट्स मिलेंगे। ये मत सोचना एक दो हफ्ते बाद की मेरी स्किन ग्लोइंग नहीं लग रही है, ये सब करने से आपको डिसअपॉइंटमेंट ही मिलेगी। आप अपना रूटीन चालू रखो और रुको मत, बीच में आपको रिजल्ट्स पक्का मिलेंगे। सो अगर आपको ग्लोइंग स्किन चाहिए तो विटामिन सी आपको डॉक्टर्स भी रेकमेंड करेंगे, हर कोई रेकमेंड करेगा कि विटामिन सी आप अपने मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन में जरूर जरूर ऐड करें। तो इस थर्ड इंग्रेडिएंट है नाइसिनामाइड एंड अल्फा आर्बुटिन। ये दोनों इंग्रेडिएंट आपकी स्किन से डार्क स्पॉट्स को लाइट करने में हेल्प करता है, पिगमेंटेशन को लाइट करने में हेल्प करता है। ये दोनों इंग्रेडिएंट्स बिगिनर्स के लिए काफी अच्छे हैं, आपकी स्किन को इरिटेट नहीं करेंगे, प्लस ऑयली स्किन के लिए नाइसिनामाइड बहुत अच्छा है, ओपन पोर्स के लिए काफी अच्छा है। मगर आप प्लीज ये मत सोचना आपको बहुत जल्दी रिजल्ट्स मिल जाएंगे, क्योंकि काफी लोग होते हैं एक्साइटेड होकर यू नो ये सारे सेरम्स खरीद लेते हैं और उनको रिजल्ट्स नहीं मिलते तो वो एकदम से यू नो डिसअपॉइंट हो जाते हैं। तो ऐसा मैं नहीं चाहती हूँ, आप ये सोचकर खरीदे, कोई भी सेरम खरीदे तो ये सोचकर खरीदे कि उसको अच्छा खासा टाइम देना पड़ेगा, चाहे वो नाइसिनामाइड हो, चाहे विटामिन सी हो, चाहे लैक्टिक एसिड हो, कोई भी चीज हो, आपको अच्छा खासा टाइम देना पड़ेगा। नाइसिनामाइड आप नाइट टाइम में भी यूज कर सकते हैं, आप डे टाइम में भी यूज कर सकते हैं, किसी भी इंग्रेडिएंट के साथ आप नाइसिनामाइड यूज कर सकते हैं।
नाइसिनामाइड से थोड़ा टाइम लग सकता है रिजल्ट्स मिलने में, सो पेशेंटली यूज करें प्रोडक्ट को, इतनी जल्दी यू नो गिव अप ना करें। सो गाइस, फोर्थ प्रोडक्ट है जो कि मुझे बेहद 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 पसंद है, वो है मिनिमलिस्ट का ट्रांसमिक एसिड। जब से मैं ये प्रोडक्ट यूज कर रही हूँ, मेरी स्किन में बहुत ज्यादा अच्छे चेंजेस आए हैं, मेरी पिगमेंटेशन काफी कम हुई है अराउंड माय आईज, और मेरे माउथ एरिया के इधर उधर काफी पिगमेंटेशन थी, इस प्रोडक्ट से काफी इंप्रूवमेंट हुआ है। अगर आपको डार्क स्पॉट्स हैं, पिगमेंटेशन है, ट्राई दिस प्रोडक्ट। और गाइज, ये इतना महंगा प्रोडक्ट भी नहीं है, आप आराम से इसे ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको आप अलग अलग प्रोडक्ट्स यूज नहीं करना चाहते हैं, आप ट्रांसमिक एसिड यूज करें। मुझे काफी सारे मैसेजेस आए थे कि ये कैसे यूज करते हो, यानी मैं कैसे यूज करती हूँ। तो मैं इसे नाइट टाइम में यूज करती हूँ, फेस वॉश के बाद जब ड्राई फेस हो जाता है एकदम, तब मैं इसकी 4 ड्रॉप्स यूज करती हूँ अपने फेस पर। उसके बाद मैं वेट करती हूँ 30 सेकेंड्स का, उसके बाद मैं सारे जो और प्रोडक्ट्स है वो लगाती हूँ। बट सबसे पहले मैं नाइट टाइम में ये प्रोडक्ट लगाती हूँ, और डे टाइम में मैं नहीं लगाती हूँ, बिकॉज इसमें AHA हैं, BHA हैं, तो इसमें खुद भी लिखा हुआ है कि हमें नाइट टाइम में इस प्रोडक्ट को यूज करना है, तो मैं नाइट टाइम में यूज करती हूँ। एंड ये प्रोडक्ट आई वुड से आई हाईली 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 रिकमेंड। फिफ्थ प्रोडक्ट है ये डिमेलन क्रीम। ये प्रोडक्ट मैं बहुत पहले से यूज कर रही हूँ, मैं इसको एक्चुअली अपने यहाँ के पिगमेंटेशन के लिए यूज करती थी, और इस प्रोडक्ट से मुझे काफी अच्छे रिजल्ट्स मिले थे। इसमें है ग्लाइकोलिक एसिड, कोजिक एसिड, अल्फा आर्बिटिन, और वो काफी अच्छी कॉन्सेंट्रेशन में है। लाइक ग्लाइकोलिक एसिड 10% है, आर्बिटिन और अल्फा आर्बिटिन इसमें 5% है, कोजिक एसिड 2% है। आपकी स्किन पर काफी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, मगर आपको लंबे टाइम तक यूज करना है। काफी लोग हैं जो बहुत जल्दी गिव अप कर देते हैं, ऐसा मत करो, आपको कभी कोई भी चीज से रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे अच्छे। सो कोई भी क्रीम आप यूज करें, कुछ भी एक भी इंग्रेडिएंट यूज करें, अच्छे से 3-4 महीने यूज करें। इसमें ग्लाइकोलिक एसिड है जो आपकी रिमूव करती है डेड स्किन सेल्स को, एंड कोजिक एसिड एंड अल्फा आर्बिटिन हेल्प करते हैं डार्क स्पॉट्स को फेड करने में, पिगमेंटेशन को फेड करने में। इस प्रोडक्ट से मुझे काफी अच्छे रिजल्ट्स मिले थे। वैसे आई एम नॉट यूजिंग दिस प्रोडक्ट बिकॉज मेरे पास बहुत सारे अभी सेरम्स हैं, मुझे समझ में नहीं आता कौन सा कब लगाऊं, सो आई एम नॉट यूजिंग दिस प्रोडक्ट करंटली, बट आई हाईली रिकमेंड दिस प्रोडक्ट। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्ग्रीडियंट जिससे आपकी स्किन पे जो डैमेज है वो होगा नहीं, और जो आप इतनी महंगी महंगी क्रीम्स लगा रहे हैं उनसे आपको जो अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं उसको मेंटेन रखने के लिए एक प्रोडक्ट जरूर लगाना है, और वो है सनस्क्रीन। सनस्क्रीन सबसे इम्पॉर्टेंट, ये जो मैंने इतने सारे आपको इंग्रेडिएंट्स बताए उन सबसे इम्पॉर्टेंट है सनस्क्रीन। कुछ भी मत लगाओ, कुछ भी मत करो, सनस्क्रीन जरूर लगाओ। आपके फेस पे जो भी डैमेज होता है वो नहीं होगा अगर आप सनस्क्रीन लगाएंगे तो। सनस्क्रीन आपको पी साइज अमाउंट नहीं लगाना है, आपको कम से कम 2 फिंगर्स जितनी अमाउंट लगानी है पूरे फेस और नेक पर। कुछ लोग हैं जो बोलते हैं सनस्क्रीन लगाने पे भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, मगर आप सनस्क्रीन बहुत कम क्वांटिटी में लगाते हैं, प्लस आप रीअप्लाई नहीं करते। आप ओनली पी साइज अमाउंट लगाकर पूरे दिन धूप में घूमोगे, कुछ रिजल्ट्स मिलेंगे ही नहीं। तो सनस्क्रीन कम से कम 2 फिंगर्स जितनी क्वांटिटी में लगानी है, प्लस सनस्क्रीन को रीअप्लाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप आप लोगों को वीडियो यूजफुल लगा होगा, यूजफुल लगा है तो गिव इट अ लाइक, और अगर आपको कुछ भी पूछना है या फिर आप चाहते हैं किसी टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊं, सो मुझे कॉमेंट कर दो जल्दी जल्दी। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।